नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे कमेंट बॉक्स। आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं कमेंट्स में से कुछ कमेंट हमने यहां पर छाटे हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं और उन कमेंट्स के हम यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है मोहम्मद नाहिद फैज ने और इन्होंने पूछा है क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमएड कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आप एमएड करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। यदि आपने बीएड नहीं किया है और इसके समकक्ष कोई अन्य शैक्षिक अर्हता पास की है तो भी आप एमएड कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में आप एमएड नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको फिर भी एमएड करना है तो पहले आप बीएड कर लीजिए और बीएड करने के बाद आप एमएड कर सकेंगे। अगला कमेंट किया है महावीर रामदास ने और इन्होंने पूछा है एमएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब निकलेंगे सर। तो देखिए, एमएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म मार्च माह से आने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ये फॉर्म अप्रैल में आते हैं तो कुछ में मई में आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम शेड्यूल है। तो यदि आप चाहते हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरें और इससे संबंधित बहुत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जब भी इन यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलेंगे तो आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और उस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि किस यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ गए हैं और आप आवेदन कर पाएंगे। अगला कमेंट किया है संजीव गुप्ता ने और इन्होंने पूछा है सर क्या 2016 वाला फॉर्म भी लगेगा। और ये क्वेश्चन इन्होंने टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू के संबंध में पूछा है। तो टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो आपको 2016 में जो आपने फॉर्म भरा था उसकी कॉपी लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में जहां इंटरव्यू हो रहा होगा वहां पर उसकी कॉपी पहले ही अवेलेबल होगी और जो आप डॉक्यूमेंट की कॉपी यहां पर लेकर जाएंगे उसके साथ में वहीं पर वो अटैच हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार का फॉर्म ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला कमेंट किया है लता वर्मा ने और इन्होंने पूछा है मैंने बीए किया है तो मैं एमएड कर सकती हूं या नहीं। तो देखिए, आपने बीए किया है तो आप एमएड नहीं कर सकती हैं। एमएड करने के लिए बीएड या इसके समकक्ष कोई अन्य शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए। ये कमेंट आपने जिस वीडियो पर किया है उस वीडियो में मैं ये जानकारी पूरी अच्छी तरीके से दे चुका हूँ। फिर भी आपने कमेंट किया तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। सभी से निवेदन ये है कि आप जो भी वीडियो देखें तो उसको जरा ठीक से देखें ताकि आपको इस प्रकार के कमेंट करने की आवश्यकता ना पड़े। अगला कमेंट किया है अनु गौतम ने और इन्होंने पूछा है सर नेट तो मैं भी हूँ तो क्या इंटरव्यू में शो ना करूँ। और ये जो क्वेश्चन किया है इन्होंने टीजीटी और पीजीटी इंटरव्यू के संबंध में किया है। तो टीजीटी और पीजीटी इंटरव्यू में आप चाहें तो अपना किया हुआ नेट शो कर सकते हैं और आप चाहें तो शो ना करें। परंतु आपको एक बात बताता हूँ, नेट करने के आपको टीजीटी या पीजीटी इंटरव्यू में कोई अंक नहीं मिलने वाले हैं। और यदि आप शो करते हैं कि मैंने नेट कर रखा है तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी एक्सेप्टेशंस आपसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं और वो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछने लगता है जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मेरे साथ इस प्रकार का इंसिडेंस हो चुका है। वहाँ मुझसे भी मेरी क्वालिफिकेशन देख कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और अननेसेसरी क्वेश्चन भी वहां पर पूछे गए थे। तो इसलिए आप जैसा चाहें, जो आपको उचित लगे आप इस संदर्भ में कर सकती हैं। अगला कमेंट किया है सचिन कुमार ने और इन्होंने पूछा है सर मेरे एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं लेकिन मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हैं तो मुझसे इंटरव्यू में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लीज टेल मी। तो देखिए, आप टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपसे सबसे पहले इंटरव्यू में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपसे वहाँ पर पूछेंगे कि आपने किस विषय में ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या किस स्पेशलाइजेशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो उस स्पेशलाइजेशन से या उस विषय से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। और ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपसे किस विषय से क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे टीजीटी और पीजीटी में किसी भी विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।
अगला कमेंट किया है दिनेश पटेल ने और इन्होंने लिखा है गुड नाइट सर, इतने दिन कहाँ चले गए थे। तो देखिए 2 महीने तक आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत ही व्यस्त था मैं, BLO ड्यूटी थी, उसके साथ साथ स्कूल की ड्यूटी और भी कई सारे काम मेरे ऊपर आ गए थे, जिस कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब नियमित रूप से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और आपके कमेंट्स के जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। अगला कमेंट किया है दिशांक क्लासेस ने और इन्होंने पूछा है सर क्या इंटरव्यू के टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाएंगे, प्लीज प्रोवाइड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए आप TGT और PGT इंटरव्यू देने जा रहे हैं, TGT और PGT इंटरव्यू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के जो सेट हैं उनकी फोटोकॉपी करा के आप ले जाइए, वही फोटोकॉपी आपकी वहां पर जमा होगी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो ओरिजिनल आपको जमा करने होंगे, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर ओरिजिनल जमा होगा, इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके वहां ओरिजिनल जमा होंगे, और यदि आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपने वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC ली है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपके इंटरव्यू के समय जमा कर ली जाएगी। साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंटरव्यू में ले जाने हैं यदि आप इस बारे में जानना चाहें तो इसके बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू में ले जाने होंगे। अगला कमेंट किया है संजय कुमार ने और इन्होंने पूछा है मैं BSc AG किया हूँ, इसके बाद BEd, अब मैं MEd करना चाहती हूँ बट PG नहीं किया हूँ, तो क्या मैं नेट में डाल सकता हूँ। तो देखिए संजय जी, आपने BSc AG किया है और BEd किया है, दोनों ही स्नातक डिग्रियां हैं और नेट करने के लिए आपको परास्नातक होना जरूरी है, तो आप किसी भी विषय में PG यानी MA, MSc, MCOM या MEd में आवेदन कीजिए और उसका पहला वर्ष जब आप पास कर लेंगे तो आप नेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगला कमेंट किया है जोगिंदर ने और इन्होंने पूछा है सर क्या MEd बेस पर नेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप MEd कर रहे हैं और आपने MEd प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो आप नेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप एजुकेशन विषय में नेट कर सकते हैं। मैंने भी MEd के बेस पर एजुकेशन विषय से नेट किया है और आपको नेट करने में यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। अगला कमेंट करने वाली है नीलम शर्मा और इन्होंने कमेंट किया है सर मेरा MEd हो गया है और मैंने हिंदी सब्जेक्ट नेट भी क्वालिफाई हूँ, अब मैं PhD करना चाहती हूँ तो मैं हिंदी या एजुकेशन में से PhD किस विषय में करूं। तो देखिए आपको सबसे पहली सलाह ये है कि आप एजुकेशन विषय से भी नेट कर लीजिए, एजुकेशन विषय से नेट करने के बाद में आपके पास 2-2 विषयों में डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनने की योग्यता आ जाएगी। PhD और नेट में अंतर केवल इतना है कि यदि आपने नेट कर रखा है तो आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, और यदि आपने PhD कर रखा है तो आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बनते हैं उनको एक नॉर्मल कॉलेज के प्रोफेसर के मुकाबले बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए आप अपनी अभिरुचि और जो आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना PhD का विषय चुनिएगा, और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन विषय में हिंदी विषय के मुकाबले कॉम्पिटिशन अधिक है। अगला कमेंट किया है शिवानी सक्सेना ने और इन्होंने पूछा है MEd की एलिजिबिलिटी क्या है। तो MEd करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को BEd होना अनिवार्य है, यदि उसने BEd नहीं किया है और उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता प्राप्त कर रखी है तो भी वह BEd कर सकता है। अगला कमेंट किया है अंजलि चौहान ने और इन्होंने पूछा है सर BEd सही रहेगा या MEd PG के बाद में। तो देखिए आपको BEd और MEd के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे BA के बाद में MA होता है इसी प्रकार से BEd के बाद में MEd होता है, तो आपको यदि MEd करना है तो उससे पहले BEd या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता पास करनी पड़ेगी, अन्यथा आप MEd नहीं कर पाएंगे। अगला कमेंट करने वाले हैं सोलंकी सुरेश और इन्होंने प्रश्न किया है सर MEd के बाद गवर्नमेंट स्टैंडर्ड 6-8 में प्रिंसिपल बन सकते हैं या कोई आंसर है प्लीज रिप्लाई। तो देखिए अधिकांश राज्यों में कक्षा 6-8 तक का टीचर बनने के लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं होती है, यहाँ पर जो प्राइमरी कक्षाएं चलती हैं कक्षा 1-5 तक उनके जो टीचर होते हैं उनका प्रमोशन जब होता है तो वो प्राइमरी के हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल बनते हैं या जूनियर के सहायक यानी 6-8 तक के स्कूल में सहायक अध्यापक बनते हैं,
और जब प्राइमरी के हेडमास्टर का प्रमोशन होता है या जूनियर के सहायक का प्रमोशन होता है तो वे जूनियर के प्रिंसिपल यानी कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं। यहाँ पर एमएड करने के बारे में आपको इस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अगला कमेंट किया है यूजफुल इन्फॉर्मेशन ने और इन्होंने पूछा है सर डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या कोर्स करना होगा प्लीज बताएं। तो यदि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपको करना होगा नेट स्लेट या फिर PhD। आपके पास PG के साथ साथ इन तीनों में से यदि एक भी योग्यता है तो आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं नवीन कुमार दास और इन्होंने पूछा है सर क्या मैं MA रेगुलर मोड से और MA इंग्लिश लिटरेचर ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकता हूं। तो देखिए आप यदि ये दोनों कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो लीगली आप ये दोनों कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ये दोनों कोर्स एक साथ कर भी लेंगे तो आप इन दोनों कोर्स को एक साथ कहीं भी स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको यही सलाह है कि आप दोनों कोर्स एक साथ ना करें, एक कोर्स पहले कर लें और उसके पूरा हो जाने के बाद ही आप दूसरा कोर्स करें। ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको भी किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। यदि उस बारे में हमारे पास सूचना उपलब्ध हुई तो आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।